हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर टू, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, इन द अर्लियर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द केमिकल लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज एन एटम, सिंबल्स ऑफ एटम एंड एटॉमिक मास। नाउ today in this video you learn about how do atom exist kaise hote hain. So students, atoms are exist in the boat of two form, that is molecule and ions. Atoms exist in two forms, molecules and ions. So we see in this video about this. The first, what is a molecule? Molecule, it is made up of two or more atoms, that is the smallest unit of compound. Okay, jaise suppose maine likha yahan par H, is H ka meaning hua one atom of hydrogen. When it combine with another H, and what is form H2. To bachcho, yahan par jo humne H likha hai aur ye H2 likha hai, इन दोनों में डिफरेंट ये कि वन दिस एच, दिस इज रेफर टू एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस H2 इट इज अबाउट ऑफ रेफर्ड एज एन, इसे अपन क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. तो एटम्स कंबाइन एंड व्हाट फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ओके, नाउ इन अ मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं इस व्हाट कंटेन एटम. तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, that is what we can say the number of atoms constituting a molecule is known as atomicity. ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, atomicity. अब atomicity आपको एक टेबल दिया हुआ है, लाइक वॉट, अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंगल एटम है, मोनो एटोमिसिटी, लाइक आर्गन, हीलियम, है ना, ऑक्सीजन, जैसे हमने लिखा ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन क्या होता है, O2. अब O2 मीन्स कितने, टू एटम्स, डायएटोमिक, है ना. हाइड्रोजन अगर हमने लिखा H2, नाइट्रोजन अगर हमने लिखा N2, तो कितने एटम्स से बना हुआ ये, टू. ऐसे ही फॉस्फोरस, दैट इज अबाउट ऑफ P4, दैट्स कंटेन फोर एटम, टेट्रा एटोमिक, और उससे ज़्यादा हैं अगर, लाइक सल्फर, इट इज S8, दैट इज पॉली एटोमिक. तो द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज एटोमिसिटी, एंड यू शुड लर्न सम एग्जाम्पल्स ऑफ एटोमिसिटी. ओके, द नेक्स्ट, इट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. एक कंपाउंड जो होता है उसमें डिफरेंट एटम्स, है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. जैसे एग्जाम्पल आपके यहाँ पर हमने दिया है वाटर. अब देखो बच्चों, वाटर इसका फॉर्मूला होता है H2O. इससे हम जल्दी इसके कंबाइनिंग एलिमेंट के नाम बता सकते हैं, और वो क्या होते हैं, H हाइड्रोजन, NO ऑक्सीजन. सेम अमोनिया, इट्स फॉर्मूला इज NH3. ओके, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर हाइड्रोजन, एंड द रेशियो बाय मास इज 14:3. सेम कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज CO2, दैट्स व्हाट कार्बन एंड ऑक्सीजन, and the ratio by mass is 3:8. So this is the what of molecules of a compound. Okay, the next is ion. Second, atoms kis form mein exist hote hain, ion. Ab ions se simple agar hum meaning kahein, to that is about of charged particles, the compound composed of metals and non-metals. Theek hai na, ek compound hai, wo kisse bana hua hai, metal aur non-metal se. तो इस मेटल नॉन मेटल से जब बना हुआ होता है तो देट कंटेन द चार्ज स्पीशीज. ओके, व्हाट इज कंटेन, चार्ज स्पीशीज, एंड दिस चार्ज पार्टिकल्स, ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दे आर व्हाट ऑफ सेट टू बी आयंस, एंड दे आर एंड आयंस द चार्ज पार्टिकल्स, एंड कैन बी नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली भी हो सकते हैं. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसे हम एन आयंस बोलते हैं, anion, and positively charged particle is cation. Example, suppose I am written here
लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl. अब इस Na इज मेड अप ऑफ अ मेटल इज Na एंड अ नॉन मेटल इज Cl. दिस Na इज पॉजिटिव चार्ज एंड Cl इज नेगेटिव चार्ज. सपोज एग्जाम्पल KCl, दैट वॉट ऑफ K प्लस प्लस Cl माइनस, है ना. सपोज एग्जाम्पल MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यर Mg 2 प्लस O 2 माइनस. सो दीज आर द वॉट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, दैट इज द वॉट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर सेट टू बी आयंस. ओके, नाउ राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला. केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, एज यू आर गोइंग टू द हायर क्लासेस यू नीड टू राइट द केमिकल फॉर्मूला. अब केमिकल फॉर्मूला का सिंपल अगर हम मीनिंग कहें तो इट इज अबाउट, अर्लियर जैसे आपने पढ़े सिंबल्स ऑफ एटम्स, ठीक है, तो फॉर्मूले से मीनिंग होता है केमिकल फॉर्मूले से द सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. एक फॉर्मूले के अंदर जो सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए सपोज मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड. अब ये सोडियम क्लोराइड क्या है, वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको सिंबॉलिक नोटेशन में लिखता हूँ NaCl, तो इट्स व्हाट सेट टू बी इट्स केमिकल फॉर्मूला, है ना. फॉर दिस राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला हमें नीड होता है दैट इज अबाउट ऑफ वैलेंसी की, और वैलेंसी से मीनिंग ये होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. डिफरेंट मेटल्स नॉन मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं, ऑल हैविंग द डिफरेंट वैलेंसीज, एंड द वैलेंसीज आर कंबाइंड एंड वॉट फॉर्म द केमिकल फॉर्मूला. सो वैलेंसीज हमको याद करनी बहुत नेसेसरी है, आवश्यक है. हमारी बुक में हमारे एक टेबल गिवन है सिंबल्स ऑफ सम आयंस, ठीक है ना, विद द वैलेंसीज, एंड दिस टेबल यू मस्ट टू बी लर्न. जैसे नेम ऑफ आयंस एंड सिंबल्स, अब आपको लिखा हुआ Na प्लस, मतलब Na की वैलेंसी प्लस वन है. लाइक मैग्नीशियम 2 प्लस, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 प्लस है. लाइक कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस है. लाइक एल्यूमिनियम 3 प्लस, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 प्लस, है ना. लाइक ब्रोमीन माइनस, द ब्रोमीन वैलेंसी इज माइनस 1. लाइक ऑक्साइड वैलेंसी इज माइनस 2. लाइक सल्फाइड वैलेंसी इज माइनस 2. सेम, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, सेम एज वी कैन से अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अ ग्रुप्स ऑफ एटम्स वॉट इट कंसिस्ट चार्ज, अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंसिस्ट चार्ज दैट इज पॉली एटोमिक आयन्स, एमोनियम NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट, दीज आर पॉली एटोमिक. कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, है ना, फॉस्फेट, दीज आर ऑल पॉली एटोमिक आयन. So we should learn, as we are using regularly for making the formulas, the table symbols and their what of valency is automatically we should learn. Now from this, how we write the chemical formula? Formula of simple compound we write, while writing the chemical formula for the compound, we write the constituents element and their valencies. हमें required किसकी होती है, उस एलिमेंट की, है ना, एलिमेंट के सिंबल्स और उसकी वैलेंसीज. एंड आफ्टर दैट वी मस्ट क्रॉस द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम. फॉर एग्जांपल अगर हमें पूछा जाए व्हाट इज राइट द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सिंबल H, क्लोरीन सिंबल Cl. वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 and valency of chloride is 1. These valencies are cross and we are get the formula HCl. This is the formula of hydrogen chloride. Okay, the next, if you are asked to write formula of magnesium chloride, the symbol of magnesium is Mg, chloride is Cl. Magnesium's valency is plus 2, chloride is minus 1. When we cross it, we got the formula of MgCl2. Same ammonium sulfate, ammonium NH4, sulfate SO4. After we write their valencies, ammonium plus 1, sulfate minus 2.
है ना। अब जब हम पॉलीएटॉमिक आयन फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर मोर देन वन नंबर्स के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देट वी आर पुटेड इन अ ब्रैकेट लाइक इट इज ऑल ट्वाइस एन एस ओ फोर। सो दीज आर सम फॉर्मूला यू आर नोन, द मेनी फॉर्मूला वी आर मेकिंग बाई यूजिंग द टेबल्स। हम टेबल को यूज़ करके बना सकते हैं, डू प्रैक्टिस एट होम ऑल्सो। नाउ मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल्स के मास को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। मीन्स द सब्सटेंस है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस मीनिंग क्या हुआ, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में आता है कि राइट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O वाटर। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना है H2O वाटर का, तो इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 और ऑक्सीजन होता है 16। हमने लिखा H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16 × 1, दैट 2 + 16 वॉट इट इज 18 यू। यू इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। ओके, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको और बताऊँ, लाइक CO2 का मास निकालना है तो कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। कितने एटम्स हैं यहाँ ऑक्सीजन के 2, तो इट इज़ वॉट ऑफ 12 + 32 एंड वी आर गॉट आंसर इट इज 44 यू। सो दिस इज द वॉट ऑफ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर स्मॉल कंसेप्ट। मॉल इज द वर्ड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल से मीनिंग बच्चों क्या होता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। रिप्रेजेंट इन अ मॉल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। मॉल मीन्स सिंपली वी कैन से इट इज अ फिक्स्ड, ठीक है, विथ अ वैल्यू ऑफ 6.022 × 10⁻²³। And it is found out by Amedeo Avogadro. It is also said to be Avogadro constant. And it is easy, take it, to use the term like 1 mole. It is 6.022 × 10⁻²³ in numbers. Agar hum ek dozen bolein aur hum 12 numbers bolein, to 1 dozen is more easier method, we can say. Hai na? 1 grows, it is 144 numbers. So, beside being related to a number, a mole has, okay, one of the more advantageous than that mass of 1 mole of a particular substance. That is about of fixed number. It is about of, we can say, the mole. Here you are looking at table. In table, that is about of relationship between atom, Avogadro number and mass. जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन है, इसका मास होता है 12 ग्राम और एटम्स कितने होंगे 6.022 × 10⁻²³। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मास 1 ग्राम है ना, एटम्स द सेम 6.022 × 10⁻²³। ओके, सो 1 मोल ऑफ वी कैन यूज ऑफ एनी पार्टिकल्स, दैट्स वॉट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स। So you will be learn this table. Then some formula we are using while calculate the number of moles, taken a number of particles. So these formulas are what? The number of moles, that is given mass upon molar mass. Okay? Supposedly, agar aapko ek question diya jata hai ki 52 gram of helium, take it na? 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला भी आपके सामने था, गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 52 और हीलियम का मोलार मास होता है 4। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाता है 13 मोल्स। सो दिस इज वेरी सिंपल, वी कैन लर्न। अब मोलार मास मीन्स जब आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया तो उसकी यूनिट आप यूज़ करते थे यू,
एंड व्हेन वी कैलकुलेट मोलार मास द यूनिट इज व्हाट वी कैन यूज जी. हम यूनिट को किससे रिप्लेस करते हैं, जी से. अब अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू एवोगाड्रो नंबर. अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स या फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, वी यूज द सेम फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू एवोगाड्रो नंबर. सो दिस इज द वोट ऑफ फार्मूला वी आर यूज टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है ना, दिस इज अवर चैप्टर इज कम्प्लीट. आई होप यू लर्न द चैप्टर वेरी नाइसली. ठीक है, डू द प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू ऑल फॉर टुडे.